प्रदेश अध्यक्ष और भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जमीन सर्वे का काम अगले 3 महीने तक रैतों को अपने काम और कागजात को ठीक करने के लिए दिया जाएगा। इसको लेकर विभाग की ओर से 1-2 दिन के अंदर पत्र भी निर्गत कर देंगे। वही उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे का काम किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों और रैतों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए 3 महीने तक कागज सहेजने के लिए वक्त देने का कार्य किया जाएगा। वही उन्होंने कहा कि सर्वे होने से थाना में 60% मामले घट जाएंगे। हमने परसों, चूंकि ये न्यूज अभी तक मैंने नहीं दिया है किसी को, कल हम देने वाले थे, आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा, बेटा बेटी बंगलोर, दिल्ली, बंबई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बंबई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा। तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। तो हमने एक फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे, और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक, और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जमीन सर्वे का काम अगले 3 महीने तक रैतों को अपने काम और कागजात को ठीक करने के लिए दिया जाएगा। इसको लेकर विभाग की ओर से 1-2 दिन के अंदर पत्र भी निर्गत कर देंगे। वही उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे का काम किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों और रैतों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए 3 महीने तक कागज सहेजने के लिए वक्त देने का कार्य किया जाएगा। वही उन्होंने कहा कि सर्वे होने से थाना में 60% मामले घट जाएंगे। हमने परसों, चूंकि ये न्यूज अभी तक मैंने नहीं दिया है किसी को, कल हम देने वाले थे, आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा, बेटा बेटी बंगलोर, दिल्ली, बंबई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बंबई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा। तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। तो हमने एक फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे, और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक, और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जमीन सर्वे का काम अगले 3 महीने तक रैतों को अपने काम और कागजात को ठीक करने के लिए दिया जाएगा। इसको लेकर विभाग की ओर से 1-2 दिन के अंदर पत्र भी निर्गत कर देंगे। वही उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे का काम किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों और रैतों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए 3 महीने तक कागज सहेजने के लिए वक्त देने का कार्य किया जाएगा। वही उन्होंने कहा कि सर्वे होने से थाना में 60% मामले घट जाएंगे। हमने परसों,
चूंकि ये न्यूज अभी तक मैंने नहीं दिया है किसी को, कल हम देने वाले थे, आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा बेटा बेटी बंगलोर दिल्ली बम्बई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बम्बई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा, तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है। लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ, तो हमने एक फैसला लिया है, एक दो दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे, और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक, और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जमीन सर्वे का काम अगले 3 महीने तक रैतों को अपने काम और कागजात को ठीक करने के लिए दिया जाएगा। इसको लेकर विभाग की ओर से 1-2 दिन के अंदर पत्र भी निर्गत कर देंगे। भाई उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे का काम किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों और रैतों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए 3 महीने तक कागज सहेजने के लिए वक्त देने का कार्य किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सर्वे होने से थाना में 60% मामले घट जाएंगे। हमने परसों, चूंकि ये न्यूज अभी तक मैंने नहीं दिया है किसी को, कल हम देने वाले थे, आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा बेटा बेटी बंगलोर दिल्ली बम्बई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बम्बई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा, तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है। लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ, तो हमने एक फैसला लिया है, एक दो दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे, और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक, और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जमीन सर्वे का काम अगले 3 महीने तक रैतों को अपने काम और कागजात को ठीक करने के लिए दिया जाएगा। इसको लेकर विभाग की ओर से 1-2 दिन के अंदर पत्र भी निर्गत कर देंगे। भाई उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे का काम किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों और रैतों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए 3 महीने तक कागज सहेजने के लिए वक्त देने का कार्य किया जाएगा। वही उन्होंने कहा कि सर्वे होने से थाना में 60% मामले घट जाएंगे। हमने परसों, चूंकि ये न्यूज अभी तक मैंने नहीं दिया है किसी को, कल हम देने वाले थे, आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा बेटा बेटी बंगलोर दिल्ली बम्बई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बम्बई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा,
तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। तो हमने एक फैसला लिया है, एक दो दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक, और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला है।